हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रणाम ब्रह्मदेव। कल्याण। महर्षि वाल्मीकि, तुमने सत्य कहा। तुम्हारे मुंह से निकला ये छंदोबद्ध वाक्य श्लोक रूप ही हो गया है। मेरी प्रेरणा से ही देवी सरस्वती ने तुम्हारी जीवा पर वास करके इस कल्प में भूतल के सबसे पहले काव्य की रचना कराई है। तुम्हारे द्वारा प्रभु राम के महान आदर्श चरित्र का वर्णन किया जाना निश्चित है, इसलिए ये काव्य शक्ति तुम्हें प्रदान की गई है कि तुम नारद द्वारा बताए गए भगवान श्री राम के उज्जवल चरित्र को रामायण नाम से काव्यबद्ध करो। वत्स, मेरे वरदान से श्री राम का समस्त गुप्त या प्रकट वृतांत तथा सीता और समस्त देवों तथा असुरों का गुप्त या प्रकट चरित्र जो हो चुका है, जो होने वाला है, अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। ये परम सिद्धि तुम्हें प्रदान की गई है कि तुम जो लिखोगे वही सत्य हो जाएगा। अतः तुम श्री रामचंद्र की परम पवित्र एवं मनोरम गाथा को श्लोकबद्ध करके लिखो, जिससे प्रेरणा पाकर समस्त युगों में प्राणी धर्माचरण के द्वारा भक्ति और मुक्ति प्राप्त करने के साधनों में प्रवृत्त हो। हे परमपिता, आपने यह कार्य मुझे ही क्यों सौंपा है? हे पुत्र, तुम्हें इस परम यश के अधिकारी हो। तुम्हारी तपस्या के फलस्वरूप तुम्हें भी माता भगवती की सेवा का सुअवसर मिलने वाला है। उनके जीवन में तुम्हें योगदान देना है, इस कारण हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम्हें ही इस यश का भागी होना है, ऐसा विधि का विधान होना निश्चित है। तुम्हारे द्वारा कहे गए प्रथम श्लोक से आज एक महाकाव्य की रचना का श्री गणेश हुआ है। उस महाकाव्य का श्री गणेश इतने करुणाजनक दृश्य से क्यों हुआ है? उसमें इतनी पीड़ा क्यों है? क्योंकि अब जो घटने वाला है उसमें करुणा रस प्रधान है। राम और सीता के वियोग की पीड़ा है। वत्स, करुणा ही कला का श्रृंगार है, इसीलिए तुम्हें यह काम सौंपा जा रहा है, जिससे युगों तक मानव प्रभु श्री राम के आदर्श पर चलने की प्रेरणा पाए। वो राम और सीता की भांति त्याग करना सीखें, वो ये सीखें कि महानता त्याग में है, बलिदान में है। हे मुने, तुम्हें हमारा आशीर्वाद है कि इस पृथ्वी पर जब तक नदी और पर्वतों की सत्ता रहेगी, तब तक संसार में रामायण की कथा का प्रचार होता रहेगा, और जब तक तुम्हारी लिखी राम कथा का लोक में प्रचार रहेगा, तब तक तुम मेरे लोकों में निवास करो। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। यावत् रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति तावदूर्ध्वमदश्च त्वं मल्लोकेषु निवत्स्यसि।